स्टैंडर्ड 3 जीके, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक। चैप्टर नंबर 21, पेज नंबर 26 निकाला। चलिए, ये है बुक स्टॉल, मतलब जहां पे बहुत सारी बुक्स हो ऐसी जगह उसे बोलते हैं बुक स्टॉल। अब ये यहाँ पे किस तरह, यहाँ पे क्या, कहाँ पे इतनी सारी बुक्स है, तो किस तरह से है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अ बुक इज अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। बुक क्या है? स्टोर हाउस। किस चीज का? नॉलेज का। हम जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा नॉलेज हमें आएगा। इट हैज द पावर टू चेंज पर्सन्स लाइफ। बुक में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान का लाइफ चेंज कर सकती है। सम बुक्स आर रीड एंड लाइक बाय मिलियंस ऑफ पीपल। कई सारी बुक्स ऐसी है जो लोग, लाखों करोड़ों लोगों ने, मिलियंस लोगों ने पढ़ी है और उनको पसंद आई है। अगर आपने पिक्चर देखा हो, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना, मुन्ना भाई गांधीगिरी में विश्वास करते हैं। क्यों? पहले उन्होंने गांधी जी की पूरी सारी बुक्स पढ़ ली, उन बुक की वजह से मुन्ना भाई में बदलाव आया और वो गांधीगिरी पर चलने लगे। तो इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने गांधी जी के ऊपर की सारी बुक्स पढ़ ली और उनमें बदलाव आया, उन्होंने गुंडागिरी छोड़कर गांधीगिरी में बिलीव किया, उसी तरह से एक बुक में इतनी पावर होती है कि वो इंसान की लाइफ चेंज कर सके, है ना। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम पॉपुलर बुक्स। यहाँ पे कुछ पॉपुलर बुक्स के नेम दिए गए हैं। राइट द नेम्स ऑफ देयर ऑथर्स इन द ब्लैंक्स। और वो बुक किसने लिखी है, उन ऑथर्स के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। आया समझ में? जैसे गांधी जी की किताब है, बराबर, तो वो किसने लिखी है? तो गांधी जी ने खुद लिखी है। आया समझ में? उसी तरह कोई भी चीज अगर कोई लिखता है तो वो ऑथर होता है उस बुक का, उसका लेखक। चलिए, फर्स्ट ऑलिवर ट्विस्ट, अ क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड, ये सारी बुक्स किसने लिखी है? चार्ल्स डिकेंस ने। नीचे क्लूज दिए गए हैं, किसने लिखी है ये बुक्स? चार्ल्स डिकेंस, लिखिए CHARLES। अब है डिकेंस, DICKENS, चार्ल्स डिकेंस लिखा सबने। नेक्स्ट, गीतांजलि, गोरा, घरे बैर, या तो होगा ये गरबा, ऐसा होगा ये इंग्लिश में, इसका प्रोनाउंस चेंज हो जाता है। किसने लिखी है ये सारी बुक्स? रविंद्रनाथ टैगोर, RABINDRANATH, रविंद्रनाथ टैगोर, TAGOR लिखा सबने, रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड नंबर, सीन्स एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रिजुडियस, मैंसफील्ड पार्क, ये सारी किताबें किसने लिखी है? जैन ऑस्टन। किसने लिखी है? जेन ऑस्टन, लिखिए JANE,
जैन, ऑस्टन, ए यू एस टी ई एन, जैन ऑस्टन, लिखा सबने। अब फोर्थ, वॉर एंड पीस, अन्ना करेनिना, द डेथ ऑफ इवान लीच, ये सारी बुक किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय। लिखिए एल ई ओ टी ओ एल एस टी ओ वाई, लिखा सबने लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट, द फेमस फाइव, द सीक्रेट सेवन, नॉडी, ये सब किसने लिखा? एनिड ब्लिटॉन। लिखिए ई एन आई डी बी एल वाई टी ओ एन, एनिड ब्लिटॉन, लिखा सबने। चलिए नेक्स्ट, द बी एफ जी, मटिल्डा, जेम्स एंड द जायंट पीच, ये सब किसने लिखा? रोल्ड डही डहल, रोल्ड डहल, आर ओ ए एल डी डी ए एच एल, लिखा सबने। तो ये थे बुक्स और उनके लिखने वाले ऑथर्स, और यहाँ पे उनके पिक्चर्स भी दिए गए हैं। चार्ल्स डिकेंस ये हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ये हैं, जेन ऑस्टन, लियो टॉल्स्टॉय, एनिड ब्लिटॉन, रोल्ड डेल, ये सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने ये सारी किताबें लिखी हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, चैप्टर 22, ग्रुप नेम्स। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ग्रुप नेम्स मतलब अलग अलग ग्रुप्स आपको दिए गए हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आपको लिखना है। आया समझ में? नेम द ग्रुप, पहले तो आपको इन ग्रुप्स को नेम देना है। कौन, फिर ये क्या है, ये भी कौन की आइटम है, और ये उनके बीज है, ये सारे इनको क्या बोलते हैं? सीरियल्स, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, इसे बोलते हैं सीरियल्स। आया समझ में? सीरियल्स हैं ये सारे, इनमें विटामिन प्रोटीन ये सब बहुत सारी मात्रा में होता है ना? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सीरियल्स। नेक्स्ट है स्पून्स, फोक्स, नाइफ्स, इन्हें क्या बोलते हैं? कटलरी, ये किचन की कटलरी है। कटलरी मतलब वो चोटी में डालने का रबर और वो रिंग, वो सब नहीं है, ये कटलरी मतलब किचन की कटलरी, स्पून, फोक्स, नाइफ, ये सब जिसमें आता हो वो। फिर है पेज, पेंसिल, इरेजर, ये सब क्या है? स्टेशनरी, ये कुछ का ग्रुप है? स्टेशनरी का। फिर क्या है? स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, इन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्फेक्शनरी। फिर है
रेडिश, कैरेट एंड बीट, टुलनिप भी बोलते हैं इसे। ये सारे कौन से वेजिटेबल्स हैं? रूट्स वेजिटेबल। लिखिए सीरियल का स्पेलिंग, CERREALS, सीरियल्स लिखा। नेक्स्ट है कटलरी, CUTLERY, कटलरी लिखा। नेक्स्ट स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी। देन है कॉन्फेक्शनरी, मतलब स्वीट्स या फिर चॉकलेट्स, CONFECTIONERY, कॉन्फेक्शनरी लिखा। ये सारे कैसे वेजिटेबल्स हैं? रूट्स वाले, तो आपको लिखना है रूट्स, ROOTS, ROOTS, रूट्स लिखा सबने। आया समझ में यहां तक? चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं और यहाँ पे उनके नेम है, मंथ, फ्रूट, कलर्स, डायरेक्शंस एंड नेशनल सिंबल्स। ओके, चलिए, ग्रे, ब्लू, रेड, येलो, ये सब क्या है? कलर्स हैं। तो इसको लेके आपको कलर्स पे जाके ज्वाइन करना है। 1 से C तक आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करिए। चलिए 1 से C तक किया। नेक्स्ट, टाइगर, पिकॉक, लोटस, ये सब क्या है? नेशनल सिंबल्स हैं। ये नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर। तो सेकंड्स को, 2 को आपको ई पे ज्वाइन करना है, 2 में आएगा ई। किया, चलिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब क्या है? डायरेक्शंस, दिशाएं। तो 3 को आपको डी में ज्वाइन करना है। किया आपने 3 से D तक। चलिए एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, चेरी, ये सब क्या है? फ्रूट्स। तो 4 को बी में ज्वाइन करना है, 4 से लेके बी तक। किया आप सबने ज्वाइन। चलिए नेक्स्ट, मार्च, मई, अक्टूबर, जुलाई, ये सब क्या है? मंथ नेम है। तो 5 से A, आपको 5 से A तक ज्वाइन करना है। किया आप सबने? हो गया सबका फिलअप? तो क्या था ये? ये थे बुक्स और उनके ऑथर्स, और यहाँ पे ग्रुप से जिनको हमने नेम दिया, जिनकी कैटेगरी अलग अलग थी, उनको हमने एक कैटेगरी में डाला। आया सबको समझ में? अब आपका होमवर्क, किस तरह से आप होमवर्क करेंगे? तो पहले चैप्टर 21, पहले हेडिंग लगाना है, फिर लिखना है 1, फिर बुक्स के नेम लिखने हैं, ओलिवर ट्वाइस, ट्विस्ट, अ क्रिसमस कैरोल एंड डेविड कॉपरफील्ड, और फिर उनके ऑथर का नाम लिखना है, चार्ल्स डिकेंस।
आया समझ में? आप अपनी बुक में किस तरह से लिखेंगे? पहले तो तीन बुक के नाम इधर ऐसे लिखना, वन वन टू थ्री बुक्स के नेम, एंड देन उनके सामने ऑथर का नेम। आप बीच में एक पार्ट पाड़ लेना, अपनी बुक का जो पेज है उसमें एक पार्ट पाड़ना। ओके, यहाँ पे लिखना वन, यहाँ पे बुक्स के नेम और यहाँ पे ऑथर का नेम। फिर सेकंड, फिर उनकी बुक के नेम गीतांजलि गोरा एंड घर बार, और फिर उनके सामने नेम ऑथर का रविंद्रनाथ टैगोर। फिर थ्री, सेंस एंड सेंसिबिलिटी प्राइड एंड प्रिजुडाइज मैंसफील्ड पार्क, बुक्स के नेम एंड देन उनके ऑथर का नाम जैन ऑस्टन। आया समझ में किस तरह से लिखना है? पहले वन टू थ्री आप नंबर डालेंगे, फिर बुक्स के नेम लिखने हैं एंड देन ऑथर का नेम आपको लिखना है। आया समझ में? एकदम क्लियर लिखना सही से। ओके, उसी तरह से यहाँ पे चैप्टर 22 हेडिंग लगाना है एंड देन लिखना है ग्रुप नेम्स। यहाँ पे आप ये सब ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे, तो आपको सिर्फ नेम लिखने हैं। एक्टिविटी ए, वन सीरियल्स, टू कटलरी, थ्री स्टेशनरी, फोर कॉन्फेक्शनरी, फाइव रूट्स। ओके, एंड एक्टिविटी बी, इसमें भी आपको पार्ट ड्रॉ करना है, दो पार्ट पाड़ने हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। आया समझ में? यहाँ पे आपको कॉलम ए इस तरह से लिखना है एंड कॉलम बी में सीधे आंसर लिखना है, मतलब ग्रे, ब्लू, रेड, येलो लिखा आपने, फिर उसका ग्रुप कौन सा है? कलर्स, तो आपको सीधा लिखना है कलर्स। फिर है टाइगर, पीकॉक, लोटस, तो वो कौन है? नेशनल सिंबल्स, तो आपको सीधा ही आंसर लिखना है नेशनल सिंबल्स। आया समझ में आपको किस तरह से होमवर्क करना है? सभी को समझ में आ गया? तो ये है आपका होमवर्क, राइट चैप्टर 21 एंड चैप्टर 22 इन योर जीके नोटबुक। जिस तरह से मैंने समझाया है उसी तरह से आपको आपकी नोटबुक में होमवर्क करना है। क्लियर आ गया सबको समझ में? थैंक यू।